आपको टेस्ला कार्स में सबसे अच्छा एंड एक्साइटिंग फीचर कौन सा लगता है? काफी लोग इस सवाल के जवाब में टेस्ला कार्स में यूज किए गए हिंज डोर्स का आंसर देंगे, जिसके साथ टेस्ला कार सभी को अपनी लॉन्ग रेंज बैटरी पावर से भी सभी को इम्प्रेस करती आई है, जो बैटरी की एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी के साथ काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। जिनमें से एक मॉडल है टेस्ला मॉडल एक्स एंड मॉडल एस, एक तरह की क्लासिक सेडान जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक मोटर से ऑल व्हील ड्राइव और एक्सेलरेशन पावर मिलती है, जिसकी हेल्प से आप अपने फ्रेंड्स को इस तरह के फीचर से अमेज कर सकते हैं। इस तरह की कार में ऐसी पावर एक एसयूवी को हैंडल करना काफी इजी बना देती है। और टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स टॉक अबाउट 8 सरप्राइजिंग फैक्ट्स अबाउट टेस्ला मॉडल एक्स। नंबर 8, सेफ्टी फ्रॉम बायोलॉजिकल अटैक। यदि आपको फ्यूचर में होने वाले बायोलॉजिकल थ्रेट से डर लगता है और आप इस टेंशन के बिना ट्रैवल करना नहीं चाहते, तो विदाउट अ डाउट टेस्ला कार्स आपके लिए बेस्ट फिट रहेंगी, जिसमें मॉडल एक्स वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फीचर कंसीडर किया जाता है, जिसकी हेल्प से मॉडल एक्स में बायो वेपन डिफेंस कैपेबिलिटीज लगाई गई हैं, जिसके बारे में इलॉन मस्क ने काफी इंटरेस्ट शो करते हुए बात की है, जिसे हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट रेजिस्टेंस या फिर हीपा फिल्टर कहा जाता है, जिसे आज तक केवल एक ही कार मॉडल एक्स में ही पाया गया है। एंड होपफुली फ्यूचर में भी हमें ऐसे ही व्हीकल्स देखने को मिले। इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग मॉडल एक्स में दिए गए बायो वेपन डिफेंस मॉडल को हैवेक बटन से ऑन किया जा सकता है, जिसे ऑन करते ही कार में लगे हीपा फिल्टर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, जो कार में केवल मेडिकल ग्रेड की हवा को ही अंदर आने देते हैं, चाहे कार के बाहर कितनी भी खतरनाक हवा क्यों ना हो। और ऑब्वियसली ये फीचर काफी इंपॉर्टेंट है और कार में मौजूद लोगों को बाहर मौजूद सभी तरह के इन्फेक्शन या फिर बायोलॉजिकल वेपन से सेफ रखेगा। नंबर 7, फर्स्ट ऑटोमेटिक हाई स्पीड ब्रेकिंग सिस्टम। मॉडल एक्स में वर्ल्ड का फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम को यूज किया गया है, एंड इस तरह का फीचर ऐसी गाड़ियों के फेमस होने का केवल वन ऑफ द रीजन है, जिसके बारे में कोई भी कंप्लेंट नहीं करना चाहेगा। ऐसी सिचुएशन जिसमें गाड़ी को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाए और सडनली गाड़ी को रोकना पड़े, तो किसी भी गाड़ी को रोकने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती हैं, जिसमें सबसे टॉप पर टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का नाम सुनने को मिलता है, जिसमें गाड़ी अपने आप ही रुक कर किसी भी क्रैश को होने से रोक देती है, जिसे ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम या फिर AEB कहा जाता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी मेनली हाईवे पर ही यूज करने के लिए बनाई गई है, बट मॉडल एक्स में ये टेक्नोलॉजी एक डिफरेंट लेवल पर वर्क करता है, जिसमें ऑटोमेटिकली यूज होने वाले ब्रेक्स को गाड़ी में मौजूद ऑटो पायलट के साथ यूज किया जाता है, जो अपने आसपास रास्ते में आने वाले चीज को डिटेक्ट करते ही गाड़ी को कोलाइड करने से रोक देता है, जिसकी हेल्प से काफी लोगों की लाइफ भी बचाई गई है, जो इस फीचर को मॉडल एक्स के यूजर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बना देता है। नंबर 6, सेफेस्ट SUV एवर मेड। मॉडल एक्स की मेकिंग के समय इलॉन मस्क ने एक फीचर को काफी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया, एक इस तरह की SUV को बनाना जो आज तक बनी सभी SUV से सेफेस्ट हो। आफ्टर ऑल इस कार को बनाने का मकसद यही है कि यह कार फैमिलीज के लिए पूरी तरह से सेफ रहे। इवन टेस्ला ने अपने मॉडल एक्स पर खुद क्रैश टेस्ट परफॉर्म करवाए हैं, ताकि वो इस मॉडल को रेट करवाने से पहले इस कार की सेफ्टी को लेकर पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहें और इम्प्रूवमेंट के किसी भी चांस को लूज ना करें, ताकि वो अपने कार्स को सेफेस्ट बना सकें। टेस्ला कार्स की सेफ्टी के बारे में हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप ये वीडियो देख सकते हैं। टेस्ला क्रैश टेस्ट के बाद टेस्ला ने यह कम्प्लीटली सिक्योर कर लिया कि उनके मॉडल एक्स को एवरी क्रैश कैटेगरी में 5 रेटिंग मिले, जिससे टेस्ला मॉडल एक्स वर्ल्ड की फर्स्ट SUV है जिसे आज तक सेफ्टी रेटिंग के सभी कैटेगरीज में 5 रेटिंग्स मिली हैं, जिसका रीजन है मॉडल एक्स का पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक होना, जो किसी भी फ्यूल से चलने वाली गाड़ी से मच बेटर परफॉर्म करती है। मॉडल एक्स में बैटरी कार के फ्लोर के नीचे लगाई गई है, जो मॉडल एक्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इतना कम कर देते हैं कि इस कार के रोल ओवर होने के चांस ना के बराबर बचते हैं, जो अगेन आज तक किसी SUV में ऑब्जर्व नहीं किया गया है, जो मॉडल एक्स को एवरी क्रैश टेस्ट में फर्स्ट एंड सेफेस्ट SUV इन द वर्ल्ड प्रूव करता है। नंबर 5, फैल्कन डोर्स। इस तरह के डोर्स गाड़ी में मौजूद पैसेंजर्स को किसी भी तरह की पार्किंग प्रॉब्लम्स में गाड़ी से निकलने से नहीं रोकते, देखने में एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट की तरह, जो अब एक रियलिटी बन चुका है। ये फैल्कन डोर्स मॉडल एक्स में लगे डोर्स के मोस्ट टॉक्ड अबाउट फीचर्स में से एक हैं। मॉडल एक्स में लगे डबल हिंज डोर्स कार की या फिर गाड़ी के अंदर से एक बटन क्लिक करते ही अपने आप ही वर्टिकली ओपन हो जाते हैं, जो ओपन होने के बाद कम से कम स्पेस में भी पैसेंजर्स के लिए कार से बाहर निकलना पूरी तरह से इजी कर देते हैं, जिनके बारे में हमने केवल ओल्ड मूवीज में सुना या फिर देखा था, बट आज की कार्स मूवी में दिखाई गई कार्स की तरह स्पेस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती।
पार्किंग एरिया में भले ही किसी ने आपकी कार के बिल्कुल ही पास अपनी कार क्यों ना पार्क कर दी हो, टेस्ला मॉडल एक्स के डोर्स में लगे लार्ज हिंज आपको कार के दरवाजे कम से कम स्पेस में ओपन करने का मौका देते हैं बिना पास में खड़ी कार को टच किए हुए। बट सैडली ये फीचर केवल मॉडल एक्स के पीछे वाले दरवाजों में ही लगाए गए हैं एंड कार के आगे वाले दरवाजे एक ट्रेडिशनल कार की तरह ही ओपन होते हैं। नंबर 4, लार्जेस्ट विंडशील्ड। ये फीचर सुनने में इतना एक्साइटिंग नहीं है बट इस फीचर की सिग्निफिकेंस उन्हें ही मालूम है जिन्होंने इस कार में एटलीस्ट एक बार ट्रैवल किया है। टेस्ला एसयूवी में टिंटेड विंडोज को यूज किया गया है जो पैसेंजर्स की साइड तक टिंटेड हैं, जो अंदर बैठे पैसेंजर्स को एसयूवी का साइज में बड़ा होने की फीलिंग देते हैं। बट किसी कार में इतना ग्लास एरिया सनरेज को कैसे फेस करता है? मे बी मॉडल एक्स को विटामिन डी को माइंड में रखकर बनाया गया होगा जो बाहर मौजूद चीजों को देखने के लिए ज्यादा एरिया प्रोवाइड करता ही है और साथ ही कार में काफी लाइट के अंदर आने की पॉसिबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है। बट ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम तब बनती है जब इस तरह की बिग विंडशील्ड वाली कार्स को डेली बेसिस पर यूज किया जाए। नंबर 3, 2270 kg टोइंग कैपेसिटी। आपको क्या लगता है, फ्यूचर वाली कार केवल रिच लोगों की इजी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर बनाई गई होगी? मॉडल एक्स को एक नॉर्मल कार की कैपेबिलिटीज पर फोकस करते हुए भी डिजाइन किया गया है जिस कारण मॉडल एक्स 5000 पाउंड्स का वेट मीनिंग 2270 kg का वेट टो कर सकता है जो मार्केट में मौजूद किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड नॉर्मल एसयूवी की कैपेसिटी से ज्यादा है, जो पॉसिबल है मॉडल एक्स में लगे इलेक्ट्रिक पावर से जनरेट होने वाले टॉर्क के कारण, जो किसी ऊंची हाइट वाली जगहों पर हैवी वेट को ले जाने और ले आने में काफी हेल्पफुल होता है विदाउट सेक्रीफाइसिंग द माइलेज इन मॉडल एक्स, जो टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी की हेल्प से फ्यूचर में और भी ज्यादा वेट को टो करने में सक्सेसफुल रहेगा। नंबर 2, एक्स्ट्रा स्पीड फॉर $10,000। टेस्ला मॉडल SP85D में इस फीचर को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसे टेस्ला के फर्स्ट एसयूवी में भी इंप्लीमेंट किया गया है जिसकी हेल्प से टेस्ला ओनर्स अपनी कार को एक्स्ट्रा फास्ट बना सकते हैं जिसके लिए उन्हें बेस प्राइस से केवल $10,000 ज्यादा पे करने होंगे, जिसके बाद मॉडल एक्स को 250 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ड्राइव किया जा सकता है जिसे लूडक्रिस फेस कहा जाता है। नॉट बैड, वो भी ऐसी कार के लिए जो पेट्रोल के बिना इतनी फास्ट स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। नंबर 3, 0-60 माइल्स पर आवर इन 3 सेकेंड्स। यदि आप अपने मॉडल एक्स को केवल फास्ट बनाने के लिए $10,000 स्पेंड नहीं करना चाहते तो भी मॉडल एक्स आपको फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है जिसका रीजन है मॉडल एक्स में लगे ऑल व्हील ड्राइव डुअल मोटर्स, इंटेलिजेंट एयर सस्पेंशन एंड किसी भी एसयूवी में यूज किया गया क्विकेस्ट एक्सेलरेशन जो केवल 2.6 सेकंड्स में मॉडल एक्स को 0-100 की स्पीड में ले जाता है। टेस्ला का इलेक्ट्रॉनिक होना सभी तरह के वेदर कंडीशन में सेम तरह की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है और किसी 7-सीटेड पैसेंजर एसयूवी में ये काफी बड़ा फीचर है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।